नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चल रहे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर बड़ा हादसा होने से बच गया। इस बार पैसेंजर ट्रेन का इंजन प्लेटफार्म नंबर 1 से टकरा गया। इससे जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों में भगदड़ मची रही। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर बीते रविवार को एक बार फिर बड़ा हादसा होने से बच गया। इस बार पैसेंजर ट्रेन का इंजन प्लेटफार्म नंबर 1 से टकरा गया। इससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों में भगदड़ मची रही। कड़ी मशक्कत के बाद इंजन को ट्रेन से जोड़ा गया। घटना रविवार दोपहर करीब 1:15 बजे की है। देहरादून सहारनपुर पैसेंजर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंची। चालक ने इंजन को ट्रेन से अलग किया। इसके बाद इंजन को वापस किया जा रहा था। इसी दौरान शंटिंग करते समय इंजन प्लेटफार्म नंबर 1 से टकरा गया। यह देख वहां मौजूद यात्रियों में भगदड़ मच गई। प्लेटफार्म का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। स्टेशन अधीक्षक कपिल शर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर शटिंग के दौरान देहरादून सहारनपुर पैसेंजर का इंजन प्लेटफार्म से टकरा गया था। इससे कोई जान माल का हानि नहीं हुई है। बाद में इंजन को जोड़कर ट्रेन को वापस भेज दिया गया। तो दोस्तों, ऐसे हादसे भी अचानक हो जाते हैं, जैसा सहारनपुर के प्लेटफार्म पर हुआ है। शटिंग के दौरान इंजन टकरा गया और हादसा हो गया। इस वीडियो को देखकर आपके मन में अवश्य कमेंट्स आएंगे, हमें कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार। वो पीछे हटाते हुए वो इस प्लेटफॉर्म से टकरा गई और यहाँ इसको डैमेज कर दिया। हमारी ट्रेन दरभंगा एक्सप्रेस लेट है, हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, तो तभी वो ट्रेन वापस पीछे हटी और इससे टकरा गई और डैमेज कर दिया। किसी तरह का कोई नुकसान की चोट चाट? चोट तो किसी को नहीं लग पाई, लेकिन ये थोड़ा डैमेज हो गया है। यहाँ से ये तोड़ दिया, हादसा हुआ, डर गए थे लोग, सहम गए थे एकदम जी, अचानक से क्या हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।